ध्यानमुलं गुरुर्मूर्ति पूजामुलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमः शिवाय गुरवे सचिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे अज्ञानमूलहरणम् अज्ञानमूलहरणम् जन्मकर्मनिवारणम् ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थम् ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम् गुरुपादोदकं पिबेत् नित्याशुद्धा निराभाषम् निराकार निरंजनम् नित्यबोधचिदानंदम् गुरु ब्रह्मा नमाम्यहम् गुरु ब्रह्मा नमाम्यहम् नकार। द मेन सब्जेक्ट आज गुरु पूर्णिमा, हालांकि कल रात को देने वाला था, नहीं दे पाया, बहुत सारा काम। चलिए वो अपना है, बहाना हो जाएगा, नहीं दे पाया तो नहीं दे पाया। तो आप आज, मेरा फोन ऑन था डायरेक्ट, मेरा दिन भर बहुत सारे आप महानुभाव सब्सक्राइबर बहुत सारे व्हाट्सएप किए, बहुत सारे कॉल किए, गुरुजी बुलाए, जबकि मैं हजार बार बोला हूं आई एम नॉट गुरुजी। एक सिंपल डिकोडर हूं, एस्ट्रोलॉजर कहने का भी दम नहीं रखता हूं, जस्ट ए डिकोडर ऑफ योर बर्थ चार्ट, ऐसे समझना चाहिए। गुरु कौन? किसी दिन मौका मिले तो जरूर इसके ऊपर व्याख्या करेंगे। गुरु किसे कहते हैं, गुरु कौन है, क्या मनुष्य मात्र एक शरीर गुरु है, एक बड़ा विषय है। लेकिन मैं यहां आपको शॉर्टकट में करूं, क्योंकि और पूर्णिमा का पीक पीरियड आने के लिए चंद घंटे बाकी रह गए हैं। आज क्या करोगे उसके ऊपर मैं आपके सामने कुछ बात बता। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर में आप सभी मेरे परम पूज्य, आप सभी मेरे सब्सक्राइबर्स, मित्र, सीक्रेट बात बताऊं तो आप मेरे गुरु सारे सभी को इस वीडियो के माध्यम से प्रणाम कर रहा हूं। आप मेरे गुरु हो। उसके बाद मेरा दीक्षा गुरु, मेरा शिक्षा गुरु, मेरे आध्यात्म गुरु, उनके श्री चरण में नमन करता हुआ, उनके पाद पंकज में मेरे भक्तिपूत प्रणाम साष्टांग प्रणिपात करते हुए, और प्लस जो अभी 17K पूरा हुआ उसका भी धन्यवाद देते हुए, आप सभी नया नया सब्सक्राइबर्स को पुनः मेरे परिवार में स्वागत करते हुए,
गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर में आप सबको, जितने सारे मेरे 17.4 के गुरु हैं, 17 पॉइंट है ना, 17 के हैं, हाँ ठीक है, सभी गुरुओं को, बोले महाराज हम लोगों को गुरु बोल रहे हो, हम तो आपको गुरुजी बुलाते हैं, आप गुरुजी बुलाते हो ये आपका बड़प्पन है, आपको मैं गुरुजी बुलाता हूं ये मेरा बड़प्पन नहीं है। अच्छा 18.4 के, सॉरी 18.4 के जितने सारे सब्सक्राइबर हैं सभी को प्रणाम करता हूं, सभी के चरण वंदन करता हूं, सभी को नमन करता हूं। गुरु वो है जो स्वाधीन बनाए, मुक्त कर दे, और आप गुरु वो है जो प्रेरित करे, आप मेरे गुरु हो। सोचो अभी एक मीन राशि वाला बोल रहा था, अब तक नहीं बनाए, जुलाई खत्म हो गया, बनाओ। जी, बनाऊंगा बनाऊंगा। तो आप हमारे गुरु हो। गुरु इज द ब्रिज बिटवीन द संसार एंड अध्यात्म। स्वाधीनता के साथ आपको जो अध्यात्म में ले ले, कुंडली देख के बांच बुझ के ठगने वालों को गुरु नहीं कहा जाता, और हम लोग उन ठगों में से हैं यार, सच बात है। झूठो आप लोगों को बहला फुसला के, चलो चलो कुछ नहीं होगा, कोई सनी उनी नहीं है, चलो आगे बढ़ो, ऐसे बोलते हैं ना। अरे हाई टेंशन में हो, आगे बढ़ो। तो उन अब्बल किस्म के ठगों में से हम लोग हैं, कोई टेंशन नहीं, आए क्या करेगा ग्रह, चलो ये पूजा करो ठीक हो जाएगा, पाठ करो ठीक हो जाएगा। तो क्या करते हैं, फुसलाते हैं आप लोगों को, बहलाते हैं, और फिर हम लोग गुरु कैसे हो गए? आप बुलाते हो गुरु, गुरु जी बुलाते हो, अच्छा है। गुरु बनना बहुत कष्ट और तकलीफ का बात है, और आज से नहीं, मेरे आध्यात्मिक जीवन के विगत जब से होश संभाला तब से मैं कहूंगा, बचपन से ही कथा करने निकला था तो आज का, और बचपन से 81 से कुंडली उंडली के चक्कर में पड़ा गुरु शरण में रह के, तो आज से जितना साल हुआ इतने में सोचो कितने हजार से ऊपर, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में घुमाऊं कथा करने के लिए, प्रवचन करता था। कोरोना के बाद से नहीं मिला है प्रोग्राम, तो अभी नहीं गया हूं कोरोना के बाद से। तो कितने लोग मुझे गुरु जी वो दीक्षा दे दीजिए, वो दे दीजिए, बोले मेरा गुरु आदेश नहीं हुआ तो नहीं किया, इसलिए मैं गुरु पद वाक्य नहीं हूं, आप जैसे सामान्य आदमी हूं। और गुरु मत बनाओ, फाइंड द गुरु इनसाइड योर सेल्फ। ये गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं आप सबको अगर कुछ कहना चाहूंगा तो यही मेरा क्रीम पॉइंट है इस वीडियो का। पैर किसी का छूना है तो अपना छू के देखो एक बार। और धरती में पहला गुरु माता गुरु, दूसरा है पिता गुरु। अगर इन दोनों को पैर छूते हो और इन दोनों का अगर सेवा सत्कार करते हो, ख्याल रखते हो, तो फिर किसी ग्रहों में दम नहीं है कि आपको कष्ट दे दे। भक्ति पूर्वक मैकेनिकली का काम करने से नहीं होगा, चाहे धरती में कुछ हो जाए, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, बस ये था कुछ बेसिक बात। इस गुरु पूर्णिमा में कर्तव्य और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल बातें। सबसे पहले ये जो गुरु पूर्णिमा आज हो रहा है, पूर्णिमा सूर्य और चंद्रमा सम सप्तक होके 180 डिग्री में, जब सूर्य से चंद्रमा, आज अगर हम देखें कि क्या परिस्थिति है, सूर्य चंद्रमा कहाँ ठहरे हैं, तो आज अगर तो आज का चंद्रमा और आज का सूर्य, सूर्य बाबा सूर्य भगवान मिथुन राशि में बुध के साथ, चंद्रमा धनु में, और ये पूर्णिमा धनु में हो रहा है, मिथुन धनु का पूर्णिमा।
और ऐसा पूर्णिमा जो सबसे पहला जो इफेक्टिवली लाइफ चेंजेस करके रख देगा वो है मकर के लिए। मैं कहता जी घूम फिर के मकरू में आ जाते हो, नहीं द्वादश में पूर्णिमा हो रहा है। और पूर्णिमा में हम लोग किसे पूर्णिमा कहते हैं, चंद्रमा को। और फुल मून इन द 12th हाउस गोचर में, तो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। जिन मकरों का आज अच्छा कटा होगा तो समझना बेस्ट है, कटेगा नहीं। हर प्रकार लॉस हाउस, द्वादश हाउस, विदेश हाउस, हॉस्पिटल हाउस, जो भी नेगेटिव हाउस, खर्चा का हाउस में पूर्णिमा, पूर्ण होना, पूर्ण चंद्रमा, इसका इफेक्ट आगामी बहुत समय तक चलेगा। और मैं आप सबको पता होगा चाहिए कि मैं जब से आपका अष्टम चंद्रमा पूर्णमी, अष्टम पूर्णमी हुआ था तब से बोला था, अष्टम में बोला, नवम में बोला, दशम में बोला, एकादश पूर्णिमा में बताया था, आज द्वादश चंद्रमा का गुरु पूर्णिमा के अवसर, पावन अवसर पर आपको कह रहा हूं। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि ये गुरु पूर्णिमा, द्वादश चंद्रमा, आज शाम को जरूर मेडिटेशन करना चंद्रमा। मैं इसलिए जल्दी बना दे रहा हूं क्योंकि मैं भी निकल जाऊंगा मेरा मेडिटेशन के लिए, फुल मून मेडिटेशन के लिए, इसलिए शॉर्ट बना रहा हूं, ज्यादा लंबा इसमें नहीं खींच रहा हूं, जितना कॉमन मिनिमम बात होना चाहिए बता रहा हूं, क्योंकि अभी बना के अभी ही तुरंत पोस्ट कर दूंगा। तो सबसे पहला याद रखना, ये एक प्रचंड परिवर्तन लेके जिंदगी में आने वाला है। आज के बाद ये पूर्णिमा को अगर आप पूर्णिमा के अनुसार मानते हो तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला चंद्रमा का आज जाप करें। दूसरा बात, चंद्रा मेडिटेशन आज जरूर करें। जो जैसे जानते हैं, अभी हम लोग बोलते हैं कि केबे नाई काले नाई गोमा पुनेरे माई माई, यानी कभी नहीं किया और अभी बता दूं आपको और अभी करने लगो। अमावस्या ए पूर्णमी का कई साधना ऑलरेडी पीछे पीछे वीडियो में दिया हूं, बहुत सारे नाइट विजन में वीडियो बनाया और दिया हूं, आप लोग देखे होंगे, नहीं होंगे अलग बात। मैक्सिमम पूर्णिमा को कवर करता हूं। लास्ट टाइम सूर्य, चंद्रमा और शुक्र का एक वीडियो दिया था मैं, उससे पहले भी नाइट में बहुत ऊंचा जगह में बैठ के पूर्णिमा का मेडिटेशन करता था, तो उसमें वीडियो बना के दिया था, आप लोग माने नहीं माने, देखे नहीं देखे अलग बात, ज्यादा व्यू हुआ भी नहीं वो सब मोड में, मुझे पता नहीं इसमें भी कितना व्यू होगा, कितने लोग देखेंगे, मर्जी आपका। तो मेडिटेशन का बात किया, चंद्रार्घ्य अगर कर सकते हैं और बढ़िया है। ये था मकर स्पेशल, अब सभी के लिए बोल रहा हूं। सभी का कर्तव्य क्या है? अब मकर स्पेशल क्यों बोला, उसके पीछे बड़ा अलग रहस्य है। कुछ मकरों को अभी आज का डेट में हो सकता है कुछ बाधाएं और कुछ प्रकार के, मैं बताया था ऊपरी हवा लगने टाइप, भारी टाइप, या कुछ इस प्रकार के फुल मून डार्क मून में ऐसे हो जाते हैं, उनको आवेग आएगा, उल्ट होने का बात नहीं है। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा है, अत्यंत ऑस्पिशियस एंड शुभ दिन है, तो अब से अभी मैं 12 राशि का लिए सभी के लिए कहना चाहूंगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले, क्योंकि आज मेरा फोन ओपन था, मैं डायरेक्ट उठा रहा था, सभी मेरे जितने सारे सब्सक्राइबर मित्र गुरु पूर्णिमा के कारण आशीर्वाद और मुझे, हालांकि व्हाट्सएप में भी दिए, मैं व्हाट्सएप मैसेज भी किया, टेलीग्राम में भी जो लोग थे उनको भी किया, मेल में जो किए थे उनको भी कराया, डायरेक्ट में किया। तो एक सज्जन मेरे को अभी बोले कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, इस धनुराशि, अभी जस्ट टाटा से बात की, नाम नहीं लेना चाहिए, बोला ठीक है आज मेरा सब दुकान फ्री है, खुला है, तो बोले क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए इस वीडियो का शुरुआत यहीं से किया, क्या ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति
पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। नमो सचिदानंद। चलो फिर पंडिताई नहीं, एक ही लाइन है। मैं बाकी बहुत सारे मंत्र गुरु स्तोत्र का ले सकता था, बट गुरु स्तोत्र का इसी को टच किया। और क्या? ध्यान मूलम गुरुर्पदम, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। ध्यान 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 ध्यान, कितना मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल साइक्लिक मेडिटेशन, आवर्तन ध्यान योग, विपासना ध्यान योग। अरे का ध्यान मान सब बता दे, एकदम मत बोलो, एकदम ध्यान का तो खजाना है, भंडारे से एकदम निकाल निकाल के लाए हैं। निंदा नहीं कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। इतना सारा ध्यान का घराना है, लेकिन हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं? एक ही बात, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। गुरुर्मूर्ति में ध्यान, ध्यान का मूल है गुरु। बिना गुरु का ध्यान तो और क्या कह रहे हैं? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम। पूजा कहीं का करना है तो गुरुपद, और सभी कुछ गुरु के पद में है, सब कुछ बिना गुरु से कुछ। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, गुरु जी अगर गलत मंत्र भी बोल दे वो सही है, एकदम गुरु आदेश, आदेश गुरु का। और आगे सुनो पूरा अंत क्या? मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। बाकी क्या रह गया बताओ? जो भी संसार का प्राप्ति करना चाहते हो वो गुरु, अध्यात्म में जाना चाहते हो वो गुरु, मंत्र सिद्धि करना चाहते हो वो गुरु। अज्ञान मूल हरणम, तो अज्ञान का मूल को हरण करने वाला और जीवन में ब्रह्मानंदम परम सुखदम, और परम ब्रह्म आनंद को देने वाला, ये जो कुछ है आप सब पूजा पाठ जप तप हवन तंत्र मंत्र संत्र यंत्र गंत्र रमड़ी तमड़ी टोटके मुटके सब किया, काम नहीं दिया। सब पूजा पाठ कवच अवच सब धारण कर दिया, काम नहीं दिया। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं, हार जा रहे हैं, फेल्योर हो जा रहे हैं। क्या करने से सफलता मिलेगा? क्या ऐसा रास्ता है जिसमें से जीवन का मार्ग फिटेगा? गुरु जी वो मंत्र कर लिया, वो गुरु के पास गया था, वो ज्योतिष को दिखाया, ये मंत्र करता हूं, ये पाठ करता हूं, अमुक पाठ करता हूं, तमुक पूजा कर देता हूं, ताड़ मोड़ के उखाड़ के फेंक के उल्टा के एकदम गाड़ देता हूं, कुछ काम नहीं दिया। क्यों काम नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया, नहीं समझे सूत्र को। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मे श्री गुरवे नमः। जब तक ये सूत्र नहीं समझा तब तक कोई काम नहीं दिया। ए गुरु जी आजकल कहाँ गुरु गुरु मिलते हैं? सब गुरु तो खैनी खाने वाला, दारू पीने वाला, और सब काका सब करता है। देख नहीं रहो कितना गुरु बाबा लोग सब जेल में घुसा है? तेरे बाप का क्या गया बे? गुरु लोग क्या किया? शंकराचार्य एक बार रेगिस्तान में जा रहे थे, सुना सुना हूं, देखा नहीं, तो पानी नहीं मिला तो ताड़ी, खजूर का ताड़ी ठोक लिए, तो शिष्य लोग बोले कि बाप चढ़े घोड़ा तो बेटा थोड़ा थोड़ा, तो वो लोग भी मार लिए। तो शंकराचार्य आगे जाके देखे कोई नहीं है, जाके देखा कि चला लोग पी के फिटिंग, उनको पानी उन्हें डाल के होश गए। बोले गुरु जी आप पिए, आपको दारू नशा नहीं लगा? हम लोग तो एकदम फिट होंगे। हाँ बेटा सिद्धि नहीं हुआ है, ठीक है। तो बिना गुरु का
कोई भी टोना टोटका पूजा पाठ कभी संभव सफल नहीं होता। इवन हम लोगों के जो बड़े लोग हैं, मतलब हमारे चाचा दादा ताऊ, ये लोग भी पूजा करते हैं उनका। मैं देखा हूँ बड़े बड़े पंडितों को बुलाने के बावजूद भी उनके बूढ़ा गुरु को बुला के बैठाते हैं, और पंडित लोग भी बोलते हैं कि पहले गुरु का पूजा करो, तब बाकी पूजा में स्टार्ट करेंगे। हम लोग घर में भी या गणपति या घट पूजा या नवरात्र या कुछ भी करते हैं तो पहले गुरु पूजन करने के उपरांत ही बाकी कुछ शुरू करते हैं, गुरु से आज्ञा आदेश लेते हैं तभी कुछ करते हैं, नहीं तो कोई भी काम सफल नहीं होता। स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत्किंचित सचराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत किंचित सचराचरम, सब सब कर दिया, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य दृश्य अदृश्य ज्ञात अज्ञात चराचर सबको ले गया। स्थावरम जंगमम व्याप्तम यत किंचित सचराचरम, धूल कण से लेके दृश्य अदृश्य ज्ञात अज्ञात चराचर सबको ले गया। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये अगर इसको एक्सप्लेनेशन करें बहुत लंबा होगा, इतना ही कहना चाहूंगा। आज का दिन आप अगर संभव हो, अभी भी समय है, अपने अगर आसपास हैं तो जरूर गुरु के घर जाएं। अपने शक्ति मुताबिक ज्ञान मुताबिक जो भी पूजा सामग्री लेके गुरुदेव का चरण स्पर्श, चरण में पानी डाल के उनको सिंचन करके, इधर चंदन सिंदूर धूप दीप, पॉसिबल है तो माला, नहीं पॉसिबल है तो फल वगैरह, जो भी पंचोपचार दसोपचार षोडशोपचार जैसे माध्यम हो, इस गुरु स्तोत्र के माध्यम से अर्चन करें, पूजन करें, आशीर्वाद लें, गुरु के चरण में साष्टांग प्रणिपात करें। और जिनका दम है पैर धो के थोड़ा सा पादुका मुंह में दें, संभव हो तो, नहीं है अलग बात। और मैं आज का जो बता रहा हूं, अगर आपका गुरु आशीर्वाद दे दिए तो 1000 टोना टोटका पूजा पाठ मंत्र जंतर तंतर एक तरफ और गुरु का आशीर्वाद एक तरफ, आदेश गुरु का एक तरफ, 1000 बिगड़ा काम ठीक हो जाता है। ये मैं अपने जीवन में भी देखा हूं, जब जब मेरे भी जीवन पे मानसिक नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी उदासीनता या किसी भी प्रकार की आता है, दुख दर्द पीड़ा कष्ट, मैं गुरु को याद करूं उससे पूर्व मेरा गुरु मुझे याद कर लेते हैं। भाई ऐसा है क्या? ठीक है, ये तभी होता है ना जो गुरु जी के साथ संपर्क। एक बार ऐसे ही एक नेगेटिव मिशन में जा रहा था, मेरे को आज भी याद है, दिन का 3:25 फोन आया, कहाँ है? बोला अमुक जगह में। छुपा रहा है तो झूठ बोल रहा है, तो ऐसा काम में जा रहा है, मत जा, रही वापस आ। ये गुरु का हृदय रहता है। अच्छा फिर एक लाइन में बताओ, गुरु कौन? बोला प्रेमदाता ये विद्महे। गुरु कौन? बोला जो प्रेम देता है। अब ये लंबा हो रहा है और ज्यादा नहीं, ठीक है, रहने दो। बहुत बड़ा सारा विषय है, बहुत गुह्याति गुह्यतरम विद्या, गुरु कौन सखा है जो हम सख लेंगे। मैं इतना कहूंगा कि ये मत देखो कि गुरु क्या करता है क्या नहीं करता है। एक पत्थर लेके पूजा कर लेते हो सिंदूर चंदन फूल झटक देके, तो एक मनुष्य के पैर में जब तक नहीं झुकते हो, मनुष्य रूपी गुरु, सांसारिक लोगों के लिए सांसारिक गुरु, संन्यास के लिए संन्यास गुरु, ब्रह्मचारी आश्रम के लिए ब्रह्मचारी गुरु, वानप्रस्थ के लिए वानप्रस्थ गुरु, आज का दिन है, जाओ
संभव हो, अगर आशीर्वाद मिल जाए, तो तुम्हारा क्या साढ़े साती और तुम्हारा क्या शनि महादशा और जीवन में क्या कष्ट और क्या अर्थभाव, क्या रोग, क्या बाघ, क्या रोग रिपु रणु चोर चपेट एक्सीडेंट, क्या दुर्भाग्य, क्या शादी देरी में हो रहा है, क्या पैसा धनहीनता दरिद्र दोष, सब कुछ गायब हो जाएगा। चैलेंज चैलेंज ओपन चैलेंज। यहां एक बात और कहूं, धर्मादा जरूर करो, अपने गुरु के श्री चरण में जाके पॉसिबल है तो दशमांश दान कर दो, फिर बताना कि जिंदगी में क्या क्या समस्या आ रहा है। नहीं, मेरे को पास भेजने का जरूरत नहीं, नहीं मांग रहा हूं किसी को, डरना नहीं, मैं दान दक्षिणा से बड़ा डरता हूं, सद्विनियोग नहीं हो तो बहुत मुश्किल। मैं कह रहा हूं आपके गुरुओं को, बोले हमारा गुरु नहीं है, ठीक है, आपके कुल पुरोहित जो आपके गांव में होंगे बुलाओ, फोन नंबर मांगो, अकाउंट मांगो, भेजो पैसा उनके पास, उनको दो, आपके कुल पुरोहित थे हैं, बोले पता नहीं कौन है, लगाओ फोन गांव में, किसी ना कोई बता देगा कि जो आपके गांव में सारे आपके कुल का पूजा पाठ करते हैं, आपके कुल देवी के मंदिर जो पंडित है, दिया जा सकता है, नहीं है तो देखो आसपास इर्द गिर्द आपके जीवन के दैनंदिन जिंदगी में जब रोजमर्रा बड़े से बड़ा दुर्घटना या छोटे से छोटा दुर्घटना होता है या घटना होता है, देखना कोई ना कोई मीमांसा के लिए पहुंचता है, आपको आइडिया देता है। देखो भाई, सबका बुद्धि समान नहीं है, सबका ज्ञान समान नहीं है, ऑफिशियली धोती वोती नहीं पहनता है, चिता चेतन नहीं लगाता है, पेंट शर्ट कोट बूट में आता है, कोई बात नहीं, कलयुग का गुरुओं का रूप ही ऐसा है, तुम जानते हो वो तुम्हारे से सुपीरियर है, तुम जानते हो तुम्हें वो प्यार करता है, तुम जानते हो कि तुम्हारा भला चाहता है, तुम जानते हो तुम्हारा भला चाहने के बाद भी कभी ना कभी तुम उसके ऊपर उंगली दिखा दिया होगा, गाली दे दिया होगा, अभिशाप दे दिया होगा, बुरा भला कहा होगा, गुरु लोगों को सहना पड़ता है, ठीक है, ऐसा जो है वही तुम्हारा गुरु है। अभी कदाचित मत सोचो कि कोई सफेद सफेद पहन के लंबा लंबा दाढ़ी, लाल लाल पहन के लंबा लंबा दाढ़ी, चिता चेतन ठोक के एकदम बड़ा बड़ा माला और कुंडल काल पहन के ऐसा करके बैठा है वो गुरु, नहीं, वो गुरु नहीं है, गुरु वो है देखो तुम्हारे आसपास है, तुम रिकॉग्नाइज नहीं करते, तुम मान्यता नहीं देते, सॉरी आप मान्यता नहीं देते, ये आपका दोष, मैं ये तुम मेरे प्यारे लोगों को बोल रहा हूँ और मेरे जो छोटे हैं उनको कह रहा हूँ, बड़े श्रीमान लोगों को माफ करना, कान पकड़ता, मेरे से बड़े हैं जो मेरे से बुजुर्ग हैं जो मुझे सन प्यार करते हैं आशीर्वाद करते हैं, उनको तुम नहीं कह रहा हूं, निकल गया फ्लो में, तो बाप उनको कुछ दो, गिफ्ट दो, भेटी दो, पैसा ही दो, ऐसा नहीं कह रहा, भक्ति विनम्रता के साथ दो, ऐसा नहीं है कि खाली पानी में ही चरण धो लोगे, अगर आंख के अश्रु से भी धो लिए तो बहुत बड़ा हो। नहीं, मेरा तो शिव गुरु है, काली गुरु है, नारायण गुरु है, हाँ ठीक बढ़िया, तुम सांड, लेकिन यहां गुरु किस लिए जानते हो, तुम्हारे अंदर का अहंकार को मारने मराने के लिए, और अहंकार को जब तक दमन नहीं करते तब तक गुरु सत्ता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई मनुष्य नहीं है, मल मूत्र निर्गमन करने वाला शरीर को गुरु नहीं कहते, वो तो माध्यम है जो जुपिटेरियन एनर्जी को अब आपके कल्याण के लिए धारण किया है, आपको आशीर्वाद कर रहा है, आप तक एनर्जी। देखो मैं जब भी अपने गुरु के घर में जाता हूँ, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आंसर, बस बैठता हूँ, ऐसे बैठ रहता हूँ, झाड़ू कर दिया, साफ कर दिया, कुछ कर दिया, नहीं किया, नहीं किया, मेरा गुरु ये सब बोलना नहीं चाहिए, कर्मयोग का खेल है, जाके बढ़ाई का भी काम कर दिया, कहीं पर सीमेंट उठा दिया, गिट्टी उठा दिया, झाड़ू मार दिया, अपने से जो बना कर दिया, गुरु बोला मालिश कर दो तो वो भी कर दिया, खुजली कर दे, खुजली कर, ये सब नहीं बोलना चाहिए, करना है, सब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गुरु के घर में हर प्रकार का काम अपने लेवल पे जो बने जब 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 मने करना। इतने सारे जितने भी जीवन के दुष्प्रभाव कर्म जनित पीड़ा है सब भाग जाता है,
अच्छे फल मिल जाते हैं। तो बाप अब तक जिनको जिनको साढ़े साथी खत्म हो गया, धनु वालों को, मकरू वालों को, कुंभ और मीन का आधा आधा है, आज का दिन एक ऐसा दिन है, और स्पेशली केकड़ा और बिच्छू को भी कह रहा हूँ, और मिथुन तुला जिनका खत्म हो गया और पनौती चल रहा है उनको भी कह रहा हूँ, आज का दिन जाओ गुरु का घर, करो सेवा, करो पूजा जितना बन पड़े, और नहीं बन पड़े तो फोन ही काफी है, इतना रिलीज देता हूँ, इतना ही रिलीज देता हूँ, कितना भी हो सके तो कर लो, और फिर देखो गुरु का हृदय से अगर आशीर्वाद निकला तो फिर कुंडली में रहे 100,000 दुर्योग कट जाते हैं, जीवन के हर समस्या समाधान हो जाते हैं। संध्या समय है अभी, आचार्य संजय कह रहा है, अनुभव के साथ कह रहा है। तो सभी फोन बंद रखा था, एक ऑन हो गया, तो फिर अभी आ गए गुरुदेव पर। अब मिठाई उठाई लेके भी आए, पकवान अकवान गुरु जी। चलो बढ़िया बात। और जो लोग सारे गिफ्ट भेजे हो मैं उसका भी वीडियो कर दूंगा, बहुत सारे लोग भेजे हैं, अब तक खुल के देखने का टाइम नहीं मिला, और अभी तो रात का टाइम है, फिर मने इतना मेरा ख्याल रखते हो, कृतज्ञता, धन्यवाद। और ये पूछ रहे थे ना, ये कोई इसको देखा, बोला ये पेड़ के नीचे बैठते हो गुरु जी, और ये चिड़िया रखने वाला पिंजरा है, फोटो है महाराज। कहाँ कहाँ ध्यान है आप लोगों का। तो चलिए मैं इस बिंदु के साथ विषय को विराम देते हुए, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी गुरुओं को प्रणाम, नमस्कार, नमो 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 नमो, और आशा करता हूं ऐसे ही मुझे मार्गदर्शन करते रहें, ऐसे ही मेरा हौसला अफजाई करते रहें, ऐसे ही मुझे डिमांड करते रहें, ऐसे ही मुझे को डांटते रहें, ऐसे ही जो वीडियो नहीं बनाया बुल बुल के करवाते रहें, और आप लोगों का ऐसा ही आशीर्वाद मेरे ऊपर रहे, ऐसे ही आशीर्वाद रखना प्रभु लोग, ऐसे ही मुझे गाइड करते रहना, गलत करूं तो जरूर डांटना, मैं आपका शिष्य, आप हमारे गुरु। नमो नमो।